Hello students, I'm Dr. Anshu Sarna. Welcome back to my channel, Anushka Classes. The topic of today's discussion is method of least squares. Students, मैंने अपने previous lecture में आपके साथ time series analysis के तीन methods discuss किए थे. एक किया था freehand और graphic method. Second one was method of semi-averages. Third one was moving average method. Moving average method के अंदर मैंने आपके साथ 3 yearly, 5 yearly, 7 yearly and 4 yearly moving average method discuss किया था. आज के हम इस lecture में method of least squares जो कि fourth method है time series analysis का, ये method हम discuss करेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, बी इट राजस्थान यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हरियाणा, पंजाब यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है. और ये टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी है, क्योंकि अगर इसमें सिर्फ फार्मूला आपको पता होना चाहिए और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, और जनरली इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स जनरली इस पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और ज़्यादातर फुल मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं आपके, क्योंकि ये मैथड इतना टफ नहीं है. तो आइए हम इस मैथड को समझते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये एक मैथमेटिकल मॉडल है टू डिटरमाइन द ट्रेंड. हम ये जो मॉडल है ये दो कंडीशंस पर बेस्ड होता है. एक है समेशन y माइनस वाई सी इज इक्वल टू जीरो. मैंने जो वाई सी लिखा है, वाई सी का मतलब होता है कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ y, जो कि आप कैलकुलेट करते हैं. दूसरी कंडीशन है समेशन y माइनस वाई सी का होल स्क्वायर इज लीस्ट. अब ये जो चीज़ है ये मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाऊंगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर. तो जो भी अभी हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे, वो पर्टिकुलर डेरिवेशन जो थ्योरी पार्ट है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी. अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये दो कंडीशंस पर बेस्ड है. अब देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ट्रेंड को कैसे फिट करते हैं इसके अंदर. एक मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, आपको पता है एक लीनियर ट्रेंड होता है. लीनियर ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, जिसकी वेरिएबल की डिग्री 1 हो. तो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड कैसे लिखा जाता है, या लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन क्या होती है, yc इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वेर yc इज द कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ y, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर a और b क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं. इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को निकालने के लिए आप दो नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं. अब स्टूडेंट्स, ये आपको नॉर्मल इक्वेशंस याद नहीं चाहिए, पर इसको याद करने का भी एक तरीका होता है, ये मैं समझा देती हूँ. दो नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x, दूसरी है समेशन x square इज इक्वल टू ए समेशन x प्लस बी समेशन x square. ये कैसे निकलती है देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को समेशन से मल्टीप्लाई करना है. और इधर आप समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को, जो ए होता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस बी समेशन एक्स. जब आप समेशन से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल को तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चला जाता है और वेरिएबल जो होते हैं वो समेशन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं दोनों तरफ. ऐसे ही अब आप सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x नहीं है तो आप दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे. तो समेशन x y इज इक्वल टू, जैसे ही आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी इक्वेशन में n हट जाता है, a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर. अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, n जो है नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, वीक्स भी हो सकते हैं. अब अगर हम इसमें मिडल ईयर को ओरिजिन लेते हैं तो आपका समेशन x ज़ीरो हो जाता है. ये कैसे हो जाता है ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब जब मिडल ईयर को आप ओरिजिन ले रहे हैं तो समेशन x की वैल्यू जब ज़ीरो हो गई, तो समेशन x की वैल्यू फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन में जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी. अब ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो डेरिवेशन पार्ट है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाता. मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, लेकिन उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये दो नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प लेनी पड़ेगी. और ये जो ए और बी का फॉर्मूला है वहाँ पर उन इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ में आएगा. बट ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये ए और बी की वैल्यू कैसे आई. अभी इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं एक क्वेश्चन करके. देखिए,
एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। ईयर्स दे रखे हैं और प्रोडक्शन दे रखा है इन करोड्स। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एज इट इज ईयर दे रखा है उसको एज इट इज लिख लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। जैसे देखिए अभी 2003 से लेकर 2008 तक के ईयर्स दे रखे हैं, वो आपने एज इट इज लिख लिया। ईयर आपका हो गया स्टूडेंट्स टी सिंबल से आप डिनोट करेंगे, दैट इज टाइम। प्रोडक्शन इन करोड्स जो दे रखा है वो आपका कैपिटल वाई है, तो वो आपने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए फॉर्मूला होता है, इक्वेशंस हैं, दो नॉर्मल इक्वेशंस जो मैंने बताई हैं आपको अभी थ्योरी के अंदर, वो क्या हैं, दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन एक्स, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इन दो नॉर्मल इक्वेशंस को देखते हुए आप कॉलम्स बनाएंगे। समेशन वाई, वाई का टोटल आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप काउंट करेंगे लिख देंगे, समेशन एक्स, एक्स निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला होता है टी माइनस मिडल ईयर, क्योंकि आप मिडल ईयर को ओरिजिन ले रहे हैं। फिर एक कॉलम एक्स वाई का बनेगा और एक कॉलम एक्स स्क्वायर का बनेगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू टी माइनस मिडल ईयर। अब देखिए मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब आप मिडल ईयर को ओरिजिन लेते हैं तो समेशन एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, बट ये उस केस में होता है जब नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो आपके ऑड हो, पर अगर जब नंबर ऑफ ईयर्स इवन हो तो समेशन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आती है। मतलब जरूरी नहीं है कि समेशन एक्स की वैल्यू जीरो है, और वो आएगी भी नहीं समेशन एक्स की वैल्यू जीरो। कैसे, देखिए अभी आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ ईयर्स इवन है, तो इवन में मिडल ईयर आप 2005 लेते हैं तो ऊपर दो छूटते हैं, तीन नीचे तीन वैल्यूज छूटती हैं। अगर 2006 मिडल ईयर लेते हैं तो ऊपर की तीन वैल्यूज छूटती हैं, नीचे की दो वैल्यूज छूटती हैं। तो इट इज़ अप टू यू। मैंने 2005 लिया तो 2003 माइनस 2005 इज़ माइनस 2, 2004 माइनस 2005 इज़ माइनस 1, 2005 माइनस 2005 इज़ 0, क्योंकि x की फॉर्मूला क्या होता है, t माइनस मिडल ईयर। तो जो टाइम है आपको मिडल ईयर से सब्ट्रैक्ट करना है। 2006 माइनस 5 इज़ 1, 7 माइनस 6 इज़ 2, 2008 माइनस 5 इज़ 3। जब आप इनका टोटल करेंगे तो समेशन x की वैल्यू 3 आएगी। पर स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर 2009 भी होता मान लो, तो आपका मिडल ईयर कौन सा हो जाता, 2006। इन दैट केस समेशन x की वैल्यू आपकी 0 आती, वो आप सॉल्व करके खुद करके भी अभी देख सकते हैं। अब एक कॉलम आपका बनेगा एक्स स्क्वायर का, यानी ये जो वैल्यूज़ हैं इनके स्क्वायर कर लेंगे और इसका टोटल ले लेंगे। एक कॉलम आपका बनेगा एक्स इंटू वाई का और उसका टोटल, यानी दिस इंटू दिस, 7 इंटू माइनस 2 इज माइनस 14, 10 इंटू माइनस 1 इज माइनस 10, और आप इसका टोटल ले लेंगे 96 आएगा। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ निकली हैं उन सारी वैल्यूज़ को इन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और ए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको मिल जाएगी, और इन दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके आप ए और बी की वैल्यूज़ को निकालेंगे। आई होप आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। हाउ वी विल सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइन आप चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, ए कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू मिल जाएगी, फिर बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। वंस यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको जब स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन मिल गई तो डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर आप वाई सी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए वाई सी इज इक्वल टू 12.46 प्लस 3.09 एक्स। तो जब एक्स की वैल्यू माइनस 2 है तो आपकी वाई सी की वैल्यू आ गई 6.28, जब एक्स की वैल्यू माइनस 1 है तो 9.37, इस तरीके से जब एक्स की वैल्यू 0 है तो 12.46, जब एक्स की वैल्यू 1 है तो 15.55, जब एक्स की वैल्यू 2 है सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 18.64, जब एक्स की वैल्यू 3 है तो आपको वैल्यू मिलेगी 21.73। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स पे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।